सो गाइस, अगर आप भी अपने फ़ोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उस पर आप किसी से भी बातें करते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसा सेटिंग बताने वाले हैं कि अगर कोई भी आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हैक करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैजाबादी में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि आजकल बहुत सारे हैकिंग लोग हैक कर रहे हैं, किसी का भी व्हाट्सअप हैक कर लेते हैं, किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, ऐसे में आपको अपने व्हाट्सअप को सिक्योर रखना है, क्योंकि व्हाट्सअप पर जो पेमेंट भी कर सकते हैं आप व्हाट्सअप से, तो इसलिए हम आपको बताने वाले कि आप अपने व्हाट्सअप को कैसे हैकिंग से बचा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमको चलना है अपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन में, और हम वहाँ से आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और वहाँ से हम आपको पूरा करके बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। तो हे गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और अब हम यहाँ से अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हैक होने से बचा सकते हैं। उसके लिए हमको जो है अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा DP नज़र आ जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन हमको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, हमको इस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पास कीज का ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, चेंज मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन का नंबर आ जाएगा, रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग चाहेंगे तो फिर हम इस पर भी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपका अगर व्हाट्सअप कोई भी हैक करता है तो आप उसका नोटिफिकेशन कैसे अपने फ़ोन में पा सकते हैं और आप उसको कैसे ठीक करेंगे। उसके लिए हमको जो यहाँ पर सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे थोड़ा आपको एक ऑप्शन दिखेगा, शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस डिवाइस, तो इसको हम ऑन कर देंगे। अब इसको ऑन करने के बाद अगर हमारा व्हाट्सएप कोई भी हैक करेगा तो फिर हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे व्हाट्सएप के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। सो गाइस, कुछ इस तरह से हम जो है अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को सुरक्षित रख सकते हैं, कोई भी हमारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन हैक नहीं कर पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।